हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएसी की। ठीक है दोस्तों, आरएसी में बात कर रहे हैं हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपके लिए हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए जो कि टॉप 25 क्वेश्चन है। अगर आप इन टॉप 25 क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ आपके 50 में से 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि आपके जो भी सारे क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं टॉप 25 क्वेश्चन के अंदर से ही उठाए जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इस पर बेनिफिट होने वाला है। इसकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो दोस्त, बात कर लेते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो क्या है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग को समझाइए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट चैप्टर से दोस्त तीन क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीन में से एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। हो सकता है आपके दो क्वेश्चन पूछ लिए जाए अथवा लगाकर, और पांच पांच नंबर पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग को समझाइए, ठीक है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने आपका जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था उस पर भी हमने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताए थे, और जिन स्टूडेंट ने वीडियो हमारे देखे थे तो उनको पता है कि जो हमने क्वेश्चन बताए थे उसी के अंतर्गत पूरा पेपर फंसा हुआ था। तो इस बार भी अगर आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर इसके आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसके अगर आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके कमेंट में बता भी सकते हैं। तो इसके भी आंसर जो होंगे दोस्त, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त आपका बनता है जो सेकंड है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको बताना है क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये दोस्त जो तीन इसमें डेफिनेशन दी गई है, एक एक लाइन की तीनों डिफिनीशंस हैं और बहुत ही सिंपल हैं। अगर आएगा तो पांच नंबर पर ऐसे ही तीनों डिफिनीशंस पूछेगा, बहुत ही सिंपल डिफिनीशंस हैं, ठीक है। तो बस एक बार आप देखेंगे तो याद भी हो जाएगा। इससे पहले हमने आरएसी के जो वीडियोस बनाए तो उनमें हमने कई सारे जितने भी इसमें क्वेश्चन हमने दिए हैं टॉप 25 आपको, तो उनमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको पहले से ही बताकर रखे हैं, तो आप हमारे उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। आपका दोस्त जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें तो यहाँ पर आपको हीट इंजन बताना है। हीट इंजन आपका क्या होता है, हीट पंप क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो आपको याद होगा जब हमने आपको थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको हीट इंजन, हीट पंप ये सब हमने आपको बताया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है दोस्त, जो आपकी हीट पंप की सीओपी है और जो आपका रेफ्रिजरेटर की सीओपी है, उस इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। भले ही दो नंबर पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए लेकिन पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल तरह का है, क्योंकि मैंने इसको आपको बता भी रखा है। हमारे जो आरसी का जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ही हमने इसको आपको बता कर रखा है, तो उस वीडियो को आप जाकर देख भी सकते हैं। तो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, दोस्त आपका जो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी हमने वीडियो बनाकर बताया है, तो वहाँ से आप जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी आपको टॉप 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके आंसर आपको एक ही साथ मिल जाए तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त आपको करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। दोस्त, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 200 लाइक का है, तो आई होप आप लोग 200 लाइक इसमें कंप्लीट करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दो है दोस्त, इसमें बात करते हैं जो फाइव नंबर क्वेश्चन है, प्रेशर इंथैल्पी चार्ट तथा जो आपका टेम्परेचर और इंथैल्पी डायग्राम है इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में आपका दिया गया प्रेशर इंथैल्पी चार्ट आपका और टेम्परेचर इंथैल्पी चार्ट हमने बता भी रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दोस्त क्वेश्चन दिया गया एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, दोस्त जितने भी आपकी साइकिल हैं ये ज़्यादातर आपकी पूछी जानी, 4 से 5 साइकिल तो आपकी बोर्ड एग्जाम पे आपकी आनी ही आनी है दोस्त, और लगभग जो साइकिल आने के चांसेस हैं वो सारी साइकिल हमने आपको इस वीडियो में बता रखी है, तो आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पूरा देख लेंगे उनके 40 में से, उनके दोस्त 50 में से 40 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो को सुरक्षित लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको 50 में से 40 नंबर मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करें, 7 नंबर जो दिया गया है, रेफ्रिजरेंट क्या है, ठीक है, तथा इसका वर्गीकरण कीजिए। दोस्त आपका जो थर्ड चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन एक बनता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट क्या है ये आपको बताना है और रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण भी कीजिए।
ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेंट होता क्या है, ठीक है, और उसके बाद इसका वर्गीकरण कीजिए, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है दोस्त, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट की जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो आपको बताने हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट की जो रासायनिक प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है, वो भी आपको बताने हैं। इसी तरह आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है उसकी जो भौतिक गुण है वो भी बताने, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, दोस्त इन तीनों में से किसी एक का या फिर दोनों के प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त अगर हम लोग बात करें, जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें, एयर रेफ्रिजरेशन क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका दोस्त 4th चैप्टर है, हमने आपको बताया एयर रेफ्रिजरेशन आपका होता क्या है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, एयर रेफ्रिजरेशन के आपको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने इस पर भी वीडियो बनाकर रखा है, ठीक है दोस्त। इसके PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर दोस्त आप लोग चाहते हैं हम और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होगा, वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त जो आपका बनता है, 10वां नंबर क्वेश्चन बनता है, रिवर्स कैरनॉट साइकिल, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे फिर से मैं आपको बताऊँ, जितनी भी आपकी साइकिल है ना, ये पूछी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा रिवर्स कैरनॉट साइकिल मैंने बता कर रखी है और बहुत सिंपल भाषा में बताया है दोस्त, तो देखिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है 11 नंबर, बेल कॉलमेंस और रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, तो आपकी जो ये साइकिल है बेल कॉलमेंस, रिवर्स ब्रेटन और जूल साइकिल, तो इसको 3 नामों से जाना जाता है, अगर इन किन्हीं 3 नामों में आपको बोल दिया जाए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। इस साइकिल को 3 नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने 3 नाम यहाँ पर लिख कर रखे हुए, ताकि अगर एग्जाम पर किसी और भी नाम से पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, फिर यही बोलेंगे कि वीडियो में तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं था आपने, इसलिए मैंने 3 नाम से यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तभी आएंगे दोस्त, वरना नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त उसकी बात करें अगर हम लोग, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी हमने वीडियो बनाकर अलग से बताया हुआ है, तो आप हमारे RSC का जो हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखा है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दोस्त जो क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो आपको देखना है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपका क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त। मैं आपको बता दूं, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ top 25 क्वेश्चन, इससे बाहर आपका पेपर कहीं भी कुछ भी नहीं आएगा। अभी आपके पास 1 महीने का दोस्त पूरा टाइम है, आप अगर डेली 1-2 क्वेश्चन की याद करेंगे ना, तो आपको 25 क्वेश्चन ना आपको 25 दिन में याद हो जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपका 15 नंबर दोस्त क्वेश्चन दिया गया उसकी बात करें अगर, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है दोस्तों, जो आपका सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एक बार देखिएगा, मेरे कहने से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्त, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है दोस्त, जो आपका 16 नंबर है, संपीडक क्या है, दोस्त जो आपका कंप्रेशर होता है, इसको मैंने आपको थर्मल इंजीनियरिंग में भी बताया है, RSC में भी हमने आपको बताया, आपका जो कंप्रेशर होता है क्या है, इसका वर्ग क्या होता है, और इसका क्लासिफिकेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आपसे कंप्रेशर के बारे में पूछेगा तो इसका क्लासिफिकेशन निश्चित रूप से दोस्त पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, अगर कंप्रेसर की बात आती है एग्जाम पर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके कुछ संपीडक है, पश्चाग्र संपीडक आपका क्या होता है, अब केंद्रीय संपीडक जिसे हम लोग सेंट्रल फिजिकल कंप्रेसर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है दोस्त, थर्ड दिया गया रोटरी कंप्रेसर, इन तीनों में से आपके कोई 2 कंप्रेसर आ सकते हैं, या फिर हो सकता है 1 कंप्रेसर आ जाए, इसका आपको विद डायग्राम बनाकर आपको बताना होगा, ठीक है दोस्त। और जितनी मैं आपको साइकिल कह रहा था, उन साइकिल में दोस्त सभी में डायग्राम है, किसी में PVTS डायग्राम है, तो किसी में उसका जो सिंपल डायग्राम है वो आपको बनाना है विद डायग्राम, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स या फिर 5 में से 4 नंबर आपको मिलने वाले, नहीं तो दोस्त आपको इतने नंबर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्त, जो 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसकी बात करें, जो आपका कंडेंसर है वो क्या होता है वो आपको बताना है, और कंडेंसर का जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर आपके कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको देख लेना है, एक बार एक नज़र मार लेना है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कंडेंसर क्या है, ठीक है। और कंडेंसर के तीन टाइप हैं, ठीक है, इनको आपको देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जो आपका इवेपरेटर है, इवेपरेटर को समझाइए तथा इनके प्रकार को भी बताइए। तो आपका जो इवेपरेटर है उसको देख लेना है, या आपका सिक्स चैप्टर की दोस्त हम लोग बात करें तो हमने आपका चैप्टर वाइज चैप्टर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाले हैं, फिर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका इवेपरेटर इसको देख लेना है, आपका क्या होता है, इनके प्रकार को भी बताइए। इवेपरेटर कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिक्स चैप्टर से आपका, ठीक है। दोस्त आपका जो 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसकी बात करें अगर हम लोग, साइक्रोमेट्री को समझाइए। अभी दोस्त हमने कल की डेट पर ही जो वीडियो अपलोड किया वो इसी टॉपिक पर हमारा था, साइक्रोमेट्री को समझाइए। और जो आपका जो 7 चैप्टर दोस्त साइक्रोमेट्री है, इसकी जितनी भी डिफिनीशंस है दोस्त मेरे कहने पर याद कर लीजिएगा, एक एक लाइन की सारी डिफिनीशंस हैं, हमने वीडियो बनाकर बताया, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और डिफिनीशन सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर बहुत आसानी से देकर जाने वाली है। एक एक लाइन की डिफिनीशंस आपको 5 नंबर देके जाएंगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्त। तो दोस्त वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्त हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, और भी आगे भी हम कई सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें भी उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आएंगे। तो आपका दोस्त जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसकी बात कर लें अगर हम लोग, 21 नंबर दिया गया है, विशिष्ट आर्द्रता क्या है तथा अपेक्षित आर्द्रता को भी बताइए। तो आपका जो विशिष्ट आर्द्रता है वो आपको बताना है क्या होती है, और इसकी जो अपेक्षित आर्द्रता है इसको भी बताना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्त इसकी भी डिफिनीशंस एक एक लाइन की हैं, और इनके कुछ फार्मूले हैं जो हमने आपको बता कर रखे थे, जो साइक्रोमेट्रिक पे रिलेशन थे वो हमने बताए थे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, जो आपका 22 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात कर लें अगर हम लोग, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में सभी रेखाओं को समझाइए। तो दोस्त आपका जो अभी 8 चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उसको आपको विधिवत तरह से पढ़ना है, और उसमें जितनी भी आपकी जो रेखाएं दिखाई गई चार्ट के अंदर, उन सभी रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि उन इस चार्ट के बाद इन रेखाओं से कई सारे आपकी डिफिनीशन बनेंगी, और वही सारी आपकी डिफिनीशन पूछी जाएंगी। ये आपका क्वेश्चन आएगा तो दोस्त 5 नंबर पर आएगा, पूरा ऐसा ही क्वेश्चन आपका लिख के आएगा, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट में सभी रेखाएं को भी समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। दोस्त अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन का, और जो आपका हाइड्रोलिक सब्जेक्ट, इन सभी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों को उसके लिए दोस्त कमेंट कर हमें बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्त बात करें हम लोग, जो आपका दिया गया है ब्लास्ट कूलिंग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन की डिफिनीशन है दोस्त, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो पर इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, जो आपका ब्लास्ट कूलिंग है क्या होती है, स्टार रेटिंग क्या होती है, ठीक है, इनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जो ब्लास्ट कूलिंग है और स्टार रेटिंग है, तो इनको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्त जो आपका इसमें एक और दिया गया है ये, तो इसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऑटो डिफ्रॉस्ट, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों, आपका 9 चैप्टर से दोस्त लिए गए, लास्ट चैप्टर से आपका, और एक क्वेश्चन आपका दोस्त और बच्चा है, जो आप बचता है यहाँ पर, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका दोस्त, यहाँ पर 3rd चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, ये 101% आपके कुछ रिफ्रिजरेंट ऐसे आपको दिए जाएंगे, और इनसे आपके इनके नाम पूछे जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न को समझाइए, तो इसका मतलब क्या, जो आर आपका 717 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको बताना है, जो आपका ये रिफ्रिजरेंट है इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम इसका क्या होगा दोस्त, इसका जो आपका 717 इसका रासायनिक नाम अमोनिया होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको इसके जो प्रमुख गुण हैं वो भी आपको इसके बताने पड़ेंगे, ठीक है, इसके गुण उपयोग और इसकी हानि, ये सब आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह दोस्त जो आपका R22 है, अगर जब आपसे इसका पूछा जाएगा तो इससे इसमें आपको लिखना पड़ेगा जो इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फेरॉन होता है, फेरॉन 22 इसका जो है क्या रासायनिक नाम होता है, ठीक है, और पूछा जा सकता है इससे आपका रासायनिक सूत्र भी इससे पूछा जा सकता है, इसके प्रमुख गुण उपयोग और हानि। तो आपका 3rd चैप्टर से ये क्वेश्चन भी एक बनता है, देखिए एग्जांपल के लिए हमने 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर 2 हैं, हमने R717 और R22 का हमने रासायनिक नाम और क्या क्या हो सकता है हमने आपको बता दिया, ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी में लिखना पड़ेगा,
दोस्त, अगर इसकी आपको इन सभी के आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। और दोस्त, वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलेगी, एनर्जी कंजर्वेशन की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, और आपकी जो हाइड्रोलिक है उसकी भी आपको बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलेगी, टॉप 25 क्वेश्चन की। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।